ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस मैं काफी टाइम बाद अपने फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी कुछ टाइम से क्या था मेरे घर में कुछ सेटअप को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि गाइस थोड़ा घर रेनोवेट हुआ था तो उसके वजह से गाइस थोड़ा जो मेरी जगह है मतलब सेटअप वाली वो थोड़ा इधर उधर हो गई है, तो थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। बट गाइस अभी ये जो है मेरी परमानेंट जगह हो गई है, तो गाइस आज से मैं यहीं पे वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस आपको फेस कैम वीडियो के लिए आपको मतलब कि झंझट नहीं होगा मेरे लिए, तो मैं आपको फेस कैम वीडियो हमेशा दूंगा आपसे। तो बाकी गाइस इतना कहना चाहूंगा कि गाइस वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको यह करना है, आपको कुछ इस टाइप से आपके अपने मॉडल का साइज रखना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। एंड जो गाइस मॉडल का साइज आपको जब इस टाइप से आप रख लोगे तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको इरेजर में जाकर आपको थोड़ा सा हार्डनेस फुल कर लेना है। एंड इसमें थोड़ा सा मेरा जो कुछ एरिया रहेगा तो पहले मैं उसको इरेज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको आगे का स्टेप जो आपको करना है। अभी हम यहाँ पे फिलहाल डन करते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है। देन गाइस आपको सेम साइज में वैसे ही रख देना अपने मॉडल को। देन गाइस उसको लेके जाना है आपको यहाँ पे इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जाना है कलर्स में, फिर आपको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, आपको उसका अमाउंट जीरो कर देना है एंड ऊपर से कर देना मर्ज। देन गाइस आपको यहाँ से नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है एंड उसके बाद दोबारा कर देना मर्ज। एंड उसके बाद जाना आपको कलराइज में, आपको कलराइज में जाने के बाद गाइस आपको उसको ह्यू ले जाना येलो टोन में। एंड उसके बाद आपको कर देना डन। फिर क्या करना है, आपको जाना इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो इरेज किया था हमने वो पहले वाला उसको इरेज कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको ब्रश लेना है, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है, हार्डनेस कम करना है, ओपेसिटी कम करना है, एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है, एंड फोटो को जूम करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक रिम लाइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम फटाफट करते हैं। के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस जितना कर देने के बाद आपको फिर यहाँ पे डन करना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको टूल्स में, फिर जाना आपको एडजस्ट में, फिर आपको उसका गाइस यहाँ पे जो है ब्राइटनेस इसका कम कर देना बिल्कुल। एंड इरेजर टूल में जाना आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज छोटा करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको अपने पैरों के नीचे कुछ हिसाब से शैडो बनानी है, ठीक है। एंड गाइस आप चाहो तो अपनी तरीके से जैसे आपको शैडो बनाना था वैसे बना सकते हो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, तो आप यहाँ से वैसे भी बना सकते हो। फिर आपको सिंपली डन कर देना है। अब गाइस आपको जाना टूल्स, फिर आपको जाना क्लोन टूल में, आपको गाइस फिर यहाँ पे फोटो को जूम करना है। एंड गाइस फोटो को जूम करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस जो ये व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, मतलब कि अगर आपको मतलब क्या जब आप फोटो क्लिक कराओ तो गाइस आप यहाँ पे रेड कलर की टी शर्ट पहन के क्लिक कराना है। एंड उसके ऊपर अगर कोई ऐसा स्टिकर हो तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे से उसको इरेज करना है, ठीक है, जैसे सेम चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे आपको सेम वैसे ही करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करने के स्पाइडर का पीएनजी, ठीक है गाइस, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपको फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आपको इसको लेके जाना है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका जो पिन पॉइंट है इसको क्लिक करके एंड उसके बाद आपको उसका ऐसा छोटा करना है, ठीक है, मतलब पतला कर देना है एंड सेम ऐसे रख देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको उसको कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। एंड अगर ओपेसिटी आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। फिर थोड़ा सा कम करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है। तो यहाँ पे उसको और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तब इसको हम करते हैं यहाँ पे फिलहाल डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड गाइस इसको लेकर चलना है लाइटरूम में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको थोड़ा बढ़ाना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा सा कम करना है, शेडो जो है जिसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, शेडो को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको व्हाइट मिलेगा, आपको व्हाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है, व्हाइट। एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे फोटो की वाइब्रेशन बढ़ा देना है, फोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना ताकि फोटो में ब्लू टोन आ जाए। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, आपको ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। फिर येलो कलर में जाकर आपको उसका ह्यू चेंज करना है, सैचुरेशन बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन जिसको बढ़ा देना है। एंड जो ह्यू है इसको आपको यहाँ पे दो जोन सा टोन रखना चाहो आप रख सकते हो, स्काई ब्लू डार्क ब्लू, तो आपकी मर्जी है।
फिर उसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाना है, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है एंड गाइस फोटो में जो यहाँ पे आपको विग्नेट डाल देना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि किसी को विग्नेट चाहिए होता है किसी को नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालना। फिर उसके बाद आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ानी है, फोटो में नोट रिडक्शन डालना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।